हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। काफ़ी सारी अपडेट्स आती दिखाई दे रही है, तो बड़े डेट्स हमें देखने को मिले जिसमें मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि शिबा इनू का प्राइस हमें फ्लक्चुएट होता दिखाई देगा। अब ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा या डाउन ट्रेंड की तरफ, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन करंटली चल रहा है 0.0018 रुपीस पर। करंट प्राइस जो है वो पिछले 7 दिनों के अंदर 12% का डाउन ट्रेंड दिखाता नजर आया है। उसी के साथ में पिछले एक महीने में 11% से ये ऑलरेडी गिर चुका है। बीच में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली बिटकॉइन की हालविंग के तुरंत बाद ही, लेकिन उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, काफी सारे फ्लक्चुएशन आ रहे हैं और मार्केट में दो बड़े डेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें शिबा इनू का प्राइस इवेंचुअली पंप या डंप होता दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले हम उन दो डेट्स के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट इस समय पर काफी ज्यादा वोलेटाइल है। क्लियरली सिचुएशन में इस ग्राफ के अंदर जो वन मंथ ग्राफ है उसी में हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर 11th और 12th मई की जो डेट्स थी वो काफी ज्यादा क्रूशियल थी, जिसमें हमें मार्केट में शिबा इनू कॉइन डाउन ट्रेंड की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। और दो डेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 14th और 15th में, यानी कि कल और परसों का दिन शिबा इनू के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा डाउन ट्रेंड हमें शिबा इनू के प्राइस में देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है मार्केट की करंट सिचुएशन पर। जिस तरह से मार्केट आज की डेट में नीचे जाता दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन का प्राइस, इथेरियम का प्राइस, अल्ट कॉइन्स, यहाँ तक कि मीम कॉइन्स तक अपने प्राइस में 12-13% का डाउनफॉल दिखाते नजर आ रहे हैं। इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड है कि शिबा इनू भी हमें क्रूशियल पॉइंट्स को टच करता दिखाई देगा, जहाँ पर इसके प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब ये एक चीज काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर सकती है इन्वेस्टर्स के बीच, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहां पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारी ट्रैजेक्टरीज बुलिश की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है। उसी के साथ में यहां पर हमें बॉन्ड रेट में भी पिछले 24 आवर्स के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जहां पर ऑलमोस्ट 175 मिलियन शिबा इनू टोकन बर्न कर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहां पर 2.5 सेंट जाने के प्राइस प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर पैनिक में चल रहे हैं और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर इतने बड़े प्राइस की उम्मीद करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है शिबा इनू कॉइन का, इस तरह के प्राइस प्रेडिक्शन का एक्सपेक्टेशन जरूर कर सकते हैं। हालांकि रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि शिबा इनू कॉइन इस बुल रन में आराम से अपने 1-2 जीरोस को किल करता दिखाई देगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वहीं पर पिछले 14 आवर्स के अंदर भी यहाँ पर एक अच्छी खासी बर्निंग हमें देखने को मिली, जहाँ पर 26 मिलियन शिबा इनू टोकन यहाँ पर बर्न कर दिए गए, जिसके कारण यहाँ पर बर्न रेट ऑलमोस्ट 5,803% से स्पाइक होता दिखाई दिया है। काफी तेजी से यहाँ पर बर्निंग भी हो रही है, काफी तेजी से यहाँ पर शिबेरियम के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर शिबेरियम की एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पर तेजी से स्पाइक हो रही है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 267% से हमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है शिबेरियम के अंदर। तो गाइस, शिबेरियम यहाँ पर अच्छा खासा पंप करता दिखाई दे रहा है, बर्न रेट में हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, ओवरऑल नेटवर्क एक्टिविटी यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो इस नेगेटिव न्यूज का आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आने वाले कुछ डेज जो हो सकते हैं वो क्रूशियल हो सकते हैं शिबा इनू कॉइन के लिए। हालांकि ये सिचुएशन मार्केट के ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स की चल रही है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इस बार मार्केट में आपको थोड़ा सा एक और डंप देखने को मिल सकता है जहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 महीने के पीरियड के बाद, 1-1.5 महीने के पीरियड के बाद यहाँ पर रैली आपको देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन है मार्केट की, जहाँ पर आप सभी को पेशेंस रखना होगा और मार्केट के हर एक टर्न को एक्सेप्ट करना होगा और अपने फंड को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करना होगा। अगर आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्पॉट इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह से आज की डेट में मार्केट सेफ है और आपको सिर्फ वेट करना है पूरी तरह से बुल रन का, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में ही हमें शुरू होता दिखाई देगा। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस ग्रुप में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट्स, गॉसिप, न्यूज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही में आपको यहाँ पर प्रीमियम सिग्नल्स भी मिलने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री होंगे। तो मेक श्योर ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।